हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग द अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। स्टूडेंट, ये मेरा सेवन्थ वीडियो है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं तीन क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू जीरो, और सेकेंड में अगर जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर है तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस टू वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जो दिया है उसको मैं लेके प्रोसीड करता हूँ। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन दैट है, गिवन दैट क्या है कि z इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यही दिया है ना। तो हम सबसे पहले इस z को x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, देयर फोर हम क्या बोलेंगे, लिख सकते हैं कि डेल z ओवर डेल x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल ओवर यहाँ पे डेल x और z की वैल्यू एज इट इज पुट कर दीजिए y बाई एक्स, ठीक है, वाई बाई एक्स हो गया। तो जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ पे वाई क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो वन बाई एक्स का जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो आप इतना जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कुछ इस टाइप का फंक्शन मिले, जैसे एफ ऑफ कुछ इस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स ऐसे कुछ मिले, तो जब हम इसका करते हैं ना, तो इसमें एक ये नई चीज़ ये है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एफ का करेंगे ना, तो एफ डैश वाई बाई एक्स होगा, एफ डैश वाई बाई एक्स। फिर अब फिर से डेल ओवर डेल एक्स किसका करेंगे, वाई बाई एक्स का करेंगे, मतलब एफ डैश एफ का करेंगे तो एफ डैश होगा, अगर एफ डैश का करते हैं तो एफ डबल डैश होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको इतना समझ आया होगा, ठीक ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एफ डैश, ठीक है, वाई बाई एक्स, ठीक। और जब इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कॉन्स्टेंट, और वन वाई एक्स का क्या आता है, माइनस ऑफ वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रहने रहा है, और इसका माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक। अब इसको मैं अधिक से अधिक क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ y बाई एक्स स्क्वायर और f डैश यहाँ पे y बाई एक्स, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना लिख सकता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि z का ही y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देख लीजिए फर्स्ट में बोल रहा है, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। तो डेल जेड ओवर डेल वाई जब करेंगे तो यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई और जेड की फिर वही वैल्यू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो सेम प्रोसीजर से करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो डेल यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश यहाँ पे एफ डैश वाई बाई एक्स होगा, ठीक। और जब वाई बाई एक्स का करेंगे तो फिर से क्या होगा, वाई कॉन्स्टेंट, क्योंकि y का होगा y का y के रिस्पेक्ट में 1 और 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो यहाँ पे 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि डेल जेड ओवर डेल y की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स को फ्रंट में ले लें, और यहाँ पे एफ डैश यहाँ पे वाई बाई एक्स, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक। इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब डेल जेड ओवर डेल एक्स आ गया, डेल जेड ओवर डेल वाई आ गया, तो अब इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर दें। एक बात और, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, एलएचएस में भी करेंगे और आरएचएस में भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक साइड करेंगे, तो ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स जब करेंगे, अब इसमें कर दिए एक साइड मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर एक्स होगा ना, तो यहाँ पर एक एक्स कट जाएगा, तो y बाई एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ y बाई एक्स आएगा, ठीक। मैं बता दिया हूँ कैसे, फिर f डैश यहाँ पे y बाई एक्स, ठीक, ये आ गया। अब हम
क्या करेंगे, y इंटू डेल जेड ओवर डेल क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, तो इसमें अब करेंगे ठीक है ना, y इंटू डेल जेड ओवर डेल y। तो यहाँ पे क्या होगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा ठीक। और यहाँ पे f डैश, यहाँ पे y बाई एक्स तो है ही पहले से ठीक। तो एक मेरा ये आ गया, एक मेरा ये आया है। अब दोनों ही वैल्यू आ गई, तो दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो हमारा सिंपली जो प्रूफ मांग रहा है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है ठीक है ना। तो लिखेंगे कि एडिंग एडिंग क्या वी गेट, तो LHS को LHS के साइड ऐड कर दीजिए और RHS को RHS के साइड ऐड कर दीजिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई, तो x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y बाई एक्स, और f डैश यहाँ पे y बाई एक्स है, और यहाँ पे प्लस क्या है, इसकी वैल्यू है देख लीजिए y बाई एक्स है, यही तो लिख रहे हैं, फिर f डैश y बाई एक्स, हमें जीरो प्रूफ करना था। तो यहाँ देखिए अपोजिट साइन का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज बोल सकते हैं कि x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हमारा यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर, तो हमें प्रूफ करना है कि एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस टू वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू जीरो है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड किए हैं, सॉल्व किए हैं, वैसे सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, स्टेप बाई स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो गिवेन है उसको हम लेके प्रोसीड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि गिवेन दैट जेड इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स फिर डेल जेड ओवर डेल वाई, तो पहले निकालते हैं सेपरेटली। तो देयर फोर क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स, और जेड क्या है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स, यही है ना, यही है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो जब इसको करेंगे तो एफ का क्या होगा, एफ डैश y बाई एक्स स्क्वायर, और हम क्या करेंगे, इस y बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो जब y बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो वो बाहर आ जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइड में आप कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, वो क्या होगा, माइनस ऑफ 2 बाई एक्स क्यूब होता है ठीक है ना। और y तो कांस्टेंट है, तो ऊपर है तो ऊपर ही है ठीक। अब आप क्या करिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई क्या, माइनस टू वाई अपान एक्स क्यूब, और एफ डैश में वाई बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है, डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, एक्स इंटू डेल जेड। तो एल एच एस आर एच एस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड तो एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इंटू, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, x क्यूब f डैश y बाई एक्स स्क्वायर ठीक। तो इस x से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस टू वाई अपान एक्स स्क्वायर और f डैश y बाई एक्स स्क्वायर, यही बचेगा ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लीजिए ठीक। अब हमें जेड का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर टू वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, एंड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई, और जेड की वैल्यू फिर वही क्या है, एफ वाई बाई एक्स स्क्वायर, यही ठीक है ना। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश वाई बाई एक्स स्क्वायर ठीक है, एफ का एफ डैश हो जाएगा। अब जब इस वाई बाई एक्स स्क्वायर का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में वन होगा, अब वन बाई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो अंदर क्या बचेगा, मतलब क्या आएगा, केवल इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर, ये जो कॉन्स्टेंट है यही बचेगा ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जैसे उसको लिखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर एफ डैश, मतलब वाई बाई
एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए दिस इम्प्लाइज अगर टू वाई डेल जेड ओवर डेल वाई चाहिए तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर अगर टू वाई का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, टू वाई अपन एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर ये टू बोल दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोले हैं, ठीक है। तो अब जब इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे तो जो मेरा प्रूफ मांगा है वो प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और बचा है, तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, तो जब ऐड करेंगे तो x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस टू वाई, एल एच एस को एल एच एस साइड ऐड करेंगे और आर एच एस को आर एच एस साइड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर है और एफ डैश में वाई बाई एक्स स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ पे टू वाई है, देख लीजिए, अपन एक्स स्क्वायर फिर एफ डैश वाई बाई एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ये क्या है, निगेटिव साइन के साथ है सेम, ये पॉजिटिव साइन के साथ है सेम, तो कट जाएगा। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रूफ है एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस टू वाई डेल जेड ओवर डेल वाई की जो वैल्यू आ गई वो जीरो प्रूफ हो गई। तो यही मेरा सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो हमें शो करना है कि एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू जीरो है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ऐसा होगा अगर यू की वैल्यू ये हो तो, ठीक। तो देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, प्लीज़ पेशेंस से देखिए, क्वेश्चन से मत डरिए, ठीक है ना। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, गिवन दैट है कि यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले भी याद करके रखिए, ठीक, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हर जगह यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी याद करके रखिए, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूँगा और फिर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करूँ। देयर फोर डेल u ओवर, यहाँ पे देयर फोर डेल u ओवर डेल x की वैल्यू जो आएगी डेल ओवर डेल x, और u की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, यही है ना। अब दोनों में ऑपरेट हो जाएगा, ये जो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेटर है दोनों में ऑपरेट हो जाएगा। तो एक बार मैं ऑपरेट करके लिख दे रहा हूँ कि डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से देख लीजिए, वीडियो अपलोडेड है, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान अंडर रूट वन माइनस क्या होगा, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स का क्या होगा, बताए हैं वन अपान अंडर रूट वन माइनस, अब एक्स की जगह क्या है, एक्स बाई वाई है, तो एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स बाई वाई का किए हैं तो ये आया है, तो जब एक्स बाई वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन होगा, तो वन बाई वाई इसका आएगा, ठीक है ना। तो इन टू यहाँ पे वन बाई वाई कर दीजिए, इतना आपको समझ आ रहा होगा, चेन रूल का डिफरेंशिएशन है। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का क्या होता है, होगा वन अपान वन प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब वाई बाई एक्स का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट, वन बाई एक्स का क्या होगा, माइनस अपान वाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई अपान
यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इतना आपको समझ आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आना भी चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे वन बाई वाई है, फिर प्लस। ठीक, अब इसका एलसीएम ले तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे माइनस ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, वही स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सॉल्व, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वन बाई वाई प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, ये तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक, ये क्या आई है, ये जो हमारी आई है वो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, तो एल एच एस में मल्टीप्लाई कर दिए, अब आर एच एस में भी करना है, तो उसके लिए हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपान अंडर रूट में वही चलेगा, अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इंटू वन बाई वाई, ठीक, और यहाँ पे माइनस एक्स वाई, एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कुछ नहीं बस एक्स को यहाँ पे ला देंगे, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ अब, इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कंसिडर। अब यू का ही हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, यू का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन अब हम जा रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में करने, तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर फोर डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई, और यू की वैल्यू वही साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, दोनों में ऑपरेट कर दीजिए अब, तो दोनों में जब ऑपरेट कर देंगे तो मैं एक स्टेप बचा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों में ऑपरेट करेगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई वाई का क्या होगा, अभी ऊपर जस्ट किए हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, और फिर एक्स बाई वाई का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो वन बाई वाई का क्या होता है, माइनस ऑफ वन बाई वाई स्क्वायर, और एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट, तो ऊपर ही यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का वन अपान क्या होगा, वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और फिर जब वाई बाई एक्स का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में वन है, यहाँ पे वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं इसको फ्रंट में कर लेंगे, तो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ऐसे, और ये इंटू में वन अपान अंडर रूट में हमारा है, ध्यान से देखिए, वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, एक्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा नीचे एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और जो जो नीचे आएगा वो फिर ऊपर करेंगे एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स से कट जाएगा, तो केवल एक्स लिख दे रहे हैं, तो इतना आपको समझ आना चाहिए कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है ना, बहुत बेसिक है। ठीक, अब हमें चाहिए क्या एक्चुअल में हमें चाहिए कि दिस इम्प्लाइज वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई चाहिए, ये तो क्या था, डेल यू ओवर डेल वाई था, अब वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई चाहिए, तो दोनों में एल एच एस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर एच एस भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो वाई का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक ऊपर जब वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस एक्स बाई वाई बचेगा, तो वही लिखा गया इंटू, फिर
फिर वन अपान यही नीचे जो है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ठीक ये समझ आ रहा होगा। प्लस अब ये वाई का मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं इसमें भी होगा, तो यहाँ पे एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक इसको आप इक्वेशन नंबर टू कर दीजिए। अब आप इक्वेशन नंबर टू देख लीजिए ध्यान से, मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जब इक्वेशन वन आया है और इक्वेशन टू आया है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो जो हमारा प्रूफ है वो कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक। तो एक बार मैं लिख लिख के दिखा दे रहा हूँ, इक्वेशन वन और टू, टू एक बार आप देख लीजिए और इक्वेशन वन भी देख लीजिए, इक्वेशन वन और टू, ठीक। तो अब मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा और बचा है। तो एल एच एस को एल एच एस साइड ऐड कर दे रहे हैं, तो एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक। तो अब मैं एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपान में वाई और इंटू वन अपान अंडर रूट में क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर, ठीक ठीक है। और फिर इन यहाँ पे माइनस, ठीक ठीक माइनस क्या है एक्स वाई, अभी इसी का ही वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अभी इसकी वैल्यू ये वैल्यू जा रहे हैं पुट करने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और फिर यहाँ पे ये जो प्लस है ये प्लस लिख दिए, और ये अब इसकी ये सब पुट कर रहे हैं तो माइनस एक्स बाई वाई और इंटू में वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो प्लीज़ कम्प्लीटली देखिएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई अपान फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा और ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, तो फाइनली जो मेरा प्रूफ है वो क्या है, एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो यही मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।